व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। के व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मैं आ चुका हूँ बत्तीस एवेन्यू माइलस्टोन। सो गाइस, ये पड़ता है सेक्टर 15 पार्ट 2 में। सो गाइस, यहाँ पर आपको आना है। हाँ सो गाइस, आपको यहाँ पड़ेगी नियरेस्ट मेट्रो हुडा सिटी सेंटर। और अगर आपको अपने व्हीकल से आना है, सो गाइस आप यहाँ पर सेक्टर 15 पार्ट 2 में आइए। यहाँ पर आपको मैं पूरा ब्लॉग दिखाने वाला, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। सो गाइस, आपको फर्स्ट लुक जो पड़ेगा वो ये दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है जो कि सवारी है। सो गाइस आगे चलते हैं, मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर पब्लिक देखने आई है। यहाँ पर कैफ़े बार्स काफ़ी अवेलेबल हैं। सो देख सकते हैं काफ़ी न्यूयॉर्क जैसा फील आ रहा है। सो गाइज, आपको यहाँ आना है तो सेक्टर 15, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट 2 सेक्टर 15 गुड़गांव में है। ये नियरेस्ट मेट्रो आपको हुडा सिटी सेंटर पड़ेगी। सो गाइज, यहाँ देख सकते हैं आप साइड में बैठने के अरेंजमेंट कर रखे हैं। लाइटिंग डेकोरेशन कितनी खूबसूरत है। सो गाइज देख सकते हैं ये ग्रीन कैफ़े। सो आपको यहाँ गूगल का भी दिख सकता है कंपनी। सो गाइस, देख के आप बिल्कुल नहीं कह सकते ये कि गुड़गांव में, आपको ऐसा लगेगा जैसे न्यूयॉर्क में आए हुए हो। इसको मिनी न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। सो देख सकते हैं यहाँ द लाइब्रेरी बार है। यहाँ पर कपल्स, फैमिली सब आते हैं दूर दूर से। सो गाइस देख सकते हैं ये साइड में एक रास्ता है, ये CAD बार सामने आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये टॉयलेट का है। सो गाइस, ये साइड में रास्ता है, देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग बार्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स, ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं। सो गाइस, काफी खूबसूरत नज़ारा है देखने का। यहाँ पर जाकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली या गुड़गांव या हरियाणा में हैं। यहाँ पर आपको न्यूयॉर्कर वाली फील आने वाली है। सो गाइस, काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन कर रखी है। सो आगे चलते हैं। सो गाइस, बताया जाता है सिंस 1990 में इसको बनाया गया था। पर ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कैफ़े है, कॉफ़ी, रेस्टोरेंट्स जो भी अवेलेबल है यहाँ पे। डेकोरेशन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत की गई है। साथ में यहाँ बैठने का अरेंजमेंट है, ये देख सकते हैं आप कॉफ़ी कैफ़े है। सो आगे चलते हैं गाइस, ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट कैफ़े। सो गाइस देख सकते हैं ये एक रास्ता है निकलने का, एग्जिट का। सो गाइस देख सकते हैं आप, फर्स्ट फ्लोर पे आके आपको कुछ ऐसा व्यू दिखने वाला है ऊपर से। ये पूरा व्यू मैंने कवर करा है। सो गाइस देख सकते हैं पेड़ों पे लाइटिंग की गई है, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग फोटोशूट करा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, MG कंपनी है, गूगल कंपनी है। सो गाइस ये देख सकते हैं। सो गाइस, आपको हुडा सिटी सेंटर मेट्रो से यहाँ आने के लिए ऑटो रिक्शा, या आप अगर सिंगल हैं तो आपको वहाँ बाइक वाले भी मिल जाएंगे। सो गाइस देख सकते हैं ये चाइनीज़ कैफ़े एक चाइनीज़ की तरह बना रखा है। सो काफ़ी लोग यहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं हुक का नाम है इसका, कैफ़े का। यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट बार्स हैं। यहाँ अगर आपको नाइट लाइफ देखनी है,
आप सोचते होंगे कि यार ये न्यूयॉर्क हुआ, अमेरिका हुआ, यहाँ पर लोग नाइट लाइफ, या थाईलैंड हुआ, यहाँ पर लोग नाइट लाइफ कैसे जीते हैं। सो गाइस, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। आप अपनी फैमिली के साथ या कपल्स के साथ, अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है उनके साथ आकर यहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, रेस्टोरेंट और कैफ़े का मज़ा ले सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे न्यूयॉर्क है। कोई इसे कह नहीं सकता कि ये दिल्ली के नियर में है। सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ पर कोई फीस, एंट्री, कुछ चार्जेस नहीं है। सो गाइस, यहाँ के बजट की बात करें, अगर आपको आप दो बंदे हैं और यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, वही 2,000 से 2,500 तक का खर्चा आएगा, जो कि एक नॉर्मल है आप किसी भी कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं ये गाड़ी इन्होंने एक 32 हैंड करके बना रखी है। ये देख सकते हैं साइड में कैफ़े जो कि खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे। सो गाइस, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी डेकोरेशन और लाइटिंग की गई है। सो गाइस, आपको यहाँ इसको देख के भी और यहाँ जाकर भी आपको ऐसा फील आने वाला है जैसे कि कोई इटली हो, या आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है। सो गाइस, मुझे जाकर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं हरियाणा गुड़गांव में हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पर बैठने का, कॉफ़ी, जो कि ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी क्योंकि यहाँ सैटरडे संडे भीड़ होती है। सो गाइस, ये है अनलॉकेड किचन बार, देख सकते हैं आप, ऊपर से मैंने आपको व्यू दिखाया है। यहाँ पर कपल्स, अपने फ्रेंड्स, सब लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए, नाइट लाइफ जीने के लिए। सो गाइस, देख सकते हैं आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इन लोगों ने, सो कि फिलहाल खाली है, लेकिन सैटरडे संडे यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, आप ऊपर से व्यू देख सकते हैं। सो गाइस, आपको यहाँ पर ये CAD बार करके दिख जाएगा। ये है रास्ता बाहर निकलने का। सो गाइस, आपको यहाँ पर बहुत मजेदार वाइब आने वाली है। सो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जाके मैंने ये नजारा लिया है। सो गाइस, इसको दिल्ली NCR नियर मिनी न्यूयॉर्क कहा जाता है, जो कि रियल में ही न्यूयॉर्क जैसी वाइब देता है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती लाइटिंग कर रखी है, सामने आप देख सकते हैं स्टारबक्स का कॉफी कैफे है। सो गाइस, यहाँ पर साइड में इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। ये आपको थर्ड वेव कॉफी दिख जाएगा। सो गाइस, मुझे यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी,
यहाँ पर आप आएंगे तो आपका दिल तो खुश होगा ही, लेकिन यहाँ के जो जो भी वेटर वगैरह हैं वो आपके साथ बहुत तहजीब के साथ, प्यार के साथ, और जो एंट्री पॉइंट पे भी वो भी आपके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं। ये साइड में कॉर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर शोरूम्स हैं, क्लोथ्स कपड़े यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। स्विगी अभी बंद है, ये देख सकते हैं शायद ये आज बंद है, हो सकता है खुलते हों। सो गाइस, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर आपको है तो आप कमेंट में बताइए। सो गाइस, अगर आपको नाइट लाइफ जीनी है तो एक दिन आप यहाँ पर आइए, ज़रूर आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं थाईलैंड में हूँ या न्यूयॉर्क में हूँ, आपको यहाँ पर वो वाली वाइब आने वाली है। सो गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पर तुर्किश आइसक्रीम वालों का, जैसे वो प्लेइंग करते हैं गेम प्लेइंग करते हैं, वो ये करने वाले हैं। सो गाइस, इसके ये गेम जो प्ले करते हैं वो उसी के इतने चार्जेस होते हैं, क्योंकि आइसक्रीम इनकी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, यानी कि जो सबसे छोटी स्मॉल आइसक्रीम है वो इनकी वो बताते हैं 360 रुपये की, यानी कि 358 की है, और जो बड़े हैं वो उसका चार्जेस ज़्यादा है, यानी कि 400, 450 रुपये। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गेम प्ले कर रहे हैं। फिलहाल मैंने तो आइसक्रीम नहीं खाई। सो गाइस, यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटो क्लिक कराने या सेल्फी लेने या वीडियो बनाने के लिए ही आते हैं, और बाकी जो बार्स में, कैफ़े में, रेस्टोरेंट्स में जो आते हैं वो अलग हैं। सो गाइस, वीडियो को करते हैं एंड, तो वीडियो को एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सो गाइस, मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर करके वीडियो दिखा दिया है, आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप न्यूयॉर्क में हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो नियर मेट्रो पड़ता है वो पड़ता है हुडा सिटी सेंटर। आपको अगर यहाँ पर अपने व्हीकल से, ऑटो से आना है, सो गाइस यहाँ पर आपको पार्ट 2 सेक्टर 15 में आना होगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो करते हैं एंड।